जो चाहे वो बंदे जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरों में कांट छांट कर गलत बयानों के साथ राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा उन्हें वायरल कर रही है। जबकि अशोक गहलोत ने इस तरह के कोई बयान दिए ही नहीं, भाजपा ओछी मानसिकता अपनाते हुए राजस्थान में प्रभुत्व रखने वाली जाट समुदाय को निशाना बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रचार से राजस्थान में सियासी हड़कंप मच गया है। देखिए द एंगल की खास रिपोर्ट में। अमित शाह ने दिया भाजपा के सोशल वॉलेंटियर्स को झूठ फैलाने का मंत्र। गहलोत को बदनाम करने की शाह की साजिश का हुआ पर्दाफाश। शाह चला रहे हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की फैक्ट्री। कोटा में दिया था शाह ने झूठ के दम पर चुनाव जीतने का ज्ञान। अशोक गहलोत की सोशल मीडिया टीम का बड़ा खुलासा। खुल गई शाह और भाजपा की पोल। वो झूठ ही नहीं बोलते बल्कि झूठ बोलना भी सिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली भाजपा राजनीति में झूठी लोकप्रियता के लिए निचले स्तर तक पहुँच चुकी है, और निचला स्तर भी ऐसा जहां पूर्व मुख्यमंत्री तक का लिहाज नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जाति और समुदायों को भड़काने के लिए धड़ल्ले से झूठा प्रचार किया जा रहा है। भाजपा की इस ओछी मानसिकता और शाह के झूठे सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स की पोल खोली अशोक गहलोत की सोशल मीडिया टीम ने। पोल खोलते ही सोशल मीडिया साइट्स पर भाजपा ना सिर्फ ट्रोल हो रही है बल्कि आमजन में सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए भी दोषी ठहराई जा रही है। हम जो चाहे वो बंदे जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये वीडियो और फोटो मेरे पास भी आया था, और हो सकता है कि आपने उसे फॉरवर्ड भी किया हो। लेकिन क्या आपको पता है वो एक सोचा समझा और आपको और हमें बरगलाने वाला फैलाया हुआ झूठ है। सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ झूठे भ्रामक प्रचारों की बाढ़ सी आ गई है। इस भ्रामक प्रचार की फैक्ट्री को चलाते हैं खुद को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी बस यूं ही शाह साहब के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चलिए पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान के कोटा में शाह के भाषण का एक हिस्सा, जहां वो अपने सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स को संबोधित कर रहे हैं। हम जो चाहे वो बंदे जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो। हाल ही में शाह कोटा आए थे, वहीं शाह ने अपने सोशल मीडिया के वॉलेंटियर्स को जीत के लिए कोई भी रास्ता अपनाने की सलाह दी। और तो और अमित शाह ने झूठ को भी फैलाने और भ्रामक प्रचार के जरिए किसी भी अच्छे राजनेता की छवि को दागदार करने को भी चिल्ला चिल्ला कर सही बताया। शाह के इन झूठे सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स ने अपना निशाना राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया हुआ है। शाह के ये सोशल वॉलेंटियर्स गहलोत के तस्वीरों के साथ कांट छांट कर उस पर जनता को उकसाने वाले पोस्ट भी चिपका रहे हैं। देखिए ये है वो पोस्ट, ध्यान से देखिए कि किस तरह इस पोस्ट पर कांट छांट की गई है। ये दो प्रमुख समाचार चैनलों पर चलाई खबरों को कंप्यूटर के माध्यम से फर्जी पोस्ट तैयार किया गया है, और वहीं जो चैनलों की इसमें तस्वीर लगाई गई है वो भी पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि इस तरह के चैनल में इस तरह की कोई खबर चली ही नहीं है। न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इंडिया न्यूज के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया न्यूज के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और इंडिया न्यूज का इस खबर से कोई संबंध नहीं है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस इंडिया न्यूज का इस खबर से कोई संबंध नहीं है।
सोशल मीडिया पर आम जन को आपको और हमें बरगलाने के लिए इस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है। फिर से हम आपको दिखाते हैं ये पोस्ट जो सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स ने, भाजपा के जो सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने काट छाट करके तैयार की है, जिसमें फोटो तो लगाई है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लेकिन इसमें जो बयान है वो मन से लगाए हुए बयान है। आपको बरगलाने के लिए ये कोशिश की गई है, भड़काने के लिए कोशिश की गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए भाजपा की ये ओछी मानसिकता का एक नमूना हमारे सामने इन पोस्टों में दिख रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसे झूठ के दम पर भाजपा जीत हासिल करके सत्ता की कमान खुद के हाथ में लेना चाहती है, और किस तरह सोशल मीडिया के जरिए एक अच्छी छवि वाले राजनेता की तस्वीर को और अलग बयानों को जोड़कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। उसके बाद देखिए किस तरह की सच्चाई हम लोगों के सामने निकल के आई, जिस सच्चाई को देखने के बाद हम भी अचरज में रह गए कि किस तरह की ऊंची मानसिकता भाजपा की सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और खुद भाजपा अपना रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते सामने आए कि सोशल मीडिया को झूठ का जरिया बनाया जाए और झूठ के जरिए ही जीत हासिल की जाए, चाहे इसके लिए किसी भी अच्छे राजनेता की छवि को दागदार कर दिया जाए। हमने तो इसकी पोल खोल दी, लेकिन चुनाव आयोग को अब ये देखना है कि भाजपा की इस ओछी मानसिकता और समाज का माहौल बिगाड़ने वाली इन प्रचारों पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। ये थी द एंगल की खास पड़ताल।